અને હવે સીધા જ જઈએ જ્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલ સંબોધન કરી રહ્યા છે સિકંદરાબાદમાં જ્યાં આઠમી વંદે માતરમ ટ્રેન શરૂ થવાની છે. દેશ કે શહેરો મેં પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ કો બહેતર બનાને કે લીએ 2 દર્જન સે અધિક નયે શહેરો મેં મેટ્રો નેટવર્ક કા વિસ્તાર હો રહા હૈ. રીજનલ રેપિડ ट्रांजिट सिस्टम जैसे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम पर भी देश में तेजी से काम चल रहा है. भाइयों और बहनों, तेलंगाना में तो बीते 8 वर्षों में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना में रेलवे के लिए 250 करोड़ रुपए से भी कम बजट था, जबकि आज ये बजट बढ़कर के 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है. मेड़क जैसे तेलंगाना के अनेक क्षेत्र पहली बार रेल सेवा से जुड़े हैं. 2014 से पहले के 8 वर्षों में तेलंगाना के में 125 किलोमीटर से भी कम नई रेल लाइनें बनी थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में हमने तेलंगाना में करीब करीब 325 किलोमीटर नई रेल लाइन कंप्लीट की है. बीते 8 वर्षों में तेलंगाना में 225 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग का काम भी किया गया है. इस दौरान तेलंगाना में रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण 3 गुना से भी ज्यादा हुआ है. बहुत ही जल्द हम तेलंगाना में सभी ब्रॉडगेज रूट्स पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा करने वाले हैं. साथियों, आज जो वंदे भारत चल रही है वो एक छोर से आंध्र प्रदेश से भी जुड़ी है. आंध्र प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है. 2014 से पहले के मुकाबले आज आंध्र प्रदेश में कई गुना तेजी से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं. बीते वर्षों में आंध्र प्रदेश में 350 किलोमीटर नई रेल लाइन बनाने और लगभग 800 किलोमीटर मल्टी ट्रैकिंग का काम पूरा किया गया है. पहले की सरकार के समय आंध्र में सालाना 60 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, जब ये रफ्तार भी बढ़कर के सालाना 220 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है. लोगों के लिए केंद्र सरकार के ये प्रयास ईज ऑफ लिविंग भी उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वृद्धि होती है. गति और प्रगति का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. इसी विश्वास के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. तो पीएम मोदी आठवीं वंदे भारत ट्रेन ने लीली झंडी बतावी, वर्चुअली संबोधन कर्यु हतु. तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश ने जोड़नारी प्रथम ट्रेन
बनी रहेशे वंदे भारत। आठमी वंदे भारत ट्रेन ने पीएम मोदी लीली झंडी बतावी छे ने आ ट्रेन शुरू करावी छे। મુસાફરો માટે ખુલ્લી મૂકવામાં આવી છે। તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશને આ ટ્રેન જોડશે। આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાને જોડનારી આ પ્રથમ ટ્રેન છે જેને લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી છે।